दोस्तों इस समय भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतर रनों की मैच की जिताऊ पारी खेली थी। दोस्तों अब सीरीज 20 मैच आज शाम 7 बजे से बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में संभवतः भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। हर पारी में अजीबोगरीबो ढंग से आउट होने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को संभवतः इस मैच में बाहर बिठाया जा सकता है, जो लगातार सभी को निराश कर रहे हैं। उनकी जगह टीम में बतौर विकेटकीपर लोकेश राहुल को मौका मिल सकता है। इसके अलावा युवा स्पिनर राहुल चहर और तेज गेंदबाज खलील अहमद को भी संभवतः इस मैच में खिलाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, श्रेष्ठ अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा, कृणाल पांड्या, दीपक चहर, खलील अहमद और राहुल चहर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।